हम लोग अभी जा रहे हैं देवा शरीफ। बहुत ही देर की मशक्कत के बाद जो है शायद आपको एक ऐसा नजारा दिखाने वाला हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे जो है नए व्लॉग में आपका स्वागत है और काफ़ी दिन बाद जो है ये व्लॉग आ रहा है और हम लोग अभी जा रहे हैं देवा शरीफ दरगाह। और ये यार हर साल लगता है यहाँ पे, तो ऐसे ही रैंडमली प्लान बन गया और हमेशा रात में प्लान बनता है तो एक नाइट आउट भी होता है और देवा शरीफ भी घूम लेते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं देखने वाली, एडवेंचरस, तो मौत का कुआं स्पेशली। तो बढ़ते हैं और अभी फ़िलहाल ट्रैफिक लगा हुआ है तो जाम में फंसे हुए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए मंजीद है और ये बाकी इन मेंबर से तो आप वाकिफ हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और यार ये ट्रैफिक कटता है तो फिर आगे आपको जो है विल कीप यू अपडेटेड। तो यार फाइनली बहुत ही देर की मशक्कत के बाद जो है अब हम लोग थोड़ा सा ट्रैफिक फ्री हुए हैं और थोड़ा सा रूट क्लियर हुआ है। काफी स्टीप रास्ता है और सिंगल लेन रोड है तो ढाबे नहीं आ रहे हैं। ढाबे आते हैं तो फिर चाय वाय पीते हैं। आगे तो दोस्तों ये है मोड़ देवा शरीफ के लिए और हम लोग मुड़ चुके हैं। आप भीड़ देखिए यहाँ पे, देखिए ये सारे लोग जो है देवा की तरफ जाने वाले लोग हैं और ये देखिए ये सब। और आप ऊपर माइलस्टोन बोर्ड पे भी देख सकते हैं, ये भी सिंगल लेन रोड है तो काफी जो है सतर्क होके जो है ड्राइव करना पड़ेगा। मंजीत भाई थोड़ा बीच में उत्तेजित हो जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हौले हौले चलो मोरे सजना। ऐसे ड्राइव बिल्कुल ना करें। गाइस तो हम लोग यार आप देख सकते हैं स्पीड से अंदाजा लगा सकते हैं आप पंचायत देवा शरीफ कि हम लोग देवा शरीफ में जो है एंट्री कर चुके हैं। और मोटरसाइकिल स्टैंड रहिए, आगे चलते रहिए। देख सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। और ठीक है सही लगी है दोस्तों, तो हम लोग पहुँच चुके हैं और गाड़ियाँ पार्क कर दी है। और यार यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा मसला रहता है तो फोर व्हीलर पार्किंग ऐसे ही है, देखिए आप में ये ऐसे रास्ते में लगा दी जाती है गाड़ी को। और ये पूरा सिंगल लेन रोड है। ये यहाँ पे हमारे जो साथ में भाई लोग आए हुए हैं, हेलो। और ये बसंत है। बसंत कैसा लग रहा है लखनऊ में आके? अच्छा लग रहा है। और देवा मेला में अभी तो स्टार्ट हुआ है, चल क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओपन बाथरूम अंदर जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं अंदर का नजारा। तो हम लोग यार चल रहे हैं और देख रहे हैं
एग्जैक्टली समझ में याद नहीं आता है कि मेला यार लगा किधर है और कैसे क्या है, बट काफ़ी चहल पहल है यहाँ पे। रात के 1 बज रहे हैं, बट स्टिल आप एक बार चहल पहल देखिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और देखते हैं अभी कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या जाते हैं और आपको सारी चीज़ें अपडेटेड रखेंगे। गाइस आप भीड़ देखिए यहाँ पे, जैसा कि मैं बात कर रहा था रात के 1 बज रहे हैं और पूरा खचाखच भरा हुआ है और बिल्कुल कछुए की चाल से चलते हुए आगे। आपको एक ऐसा नज़ारा दिखाने वाला हूँ कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये देखिए लिटरली इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और ये देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश है। क्यों खड़े हो खामोश निगाह में, एक बार जाइए मौत को धुएं की बाहों में। जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो, जल्दी पहुंचो। यहीं खड़े हो जाओ यहीं पे। तो गाइस हम लोग आ गए हैं यार, और बेसिकली जिस एडवेंचर के लिए मैं हर साल देवा मेला आता हूँ वो ये है। ठीक है यार, तो वेट करते हैं और फिर लुत्फ उठाते हैं इस बहुत ही रोमांचक खेल का। तो दोस्तों बारी बारी से जो है अपने साथियों से पूछते हैं कि वो जो है कितना एक्साइटेड है। मंजीत भाई बहुत। हाँ भाइयों, भाई यहाँ पे दूसरा एक्सपीरियंस है, दूसरी बार मेरा, और पिछली बार बाइक के साथ एक्सपीरियंस देखा था, अब देख रहा हूँ मैं कार के साथ। अभी मैं तो खुद ही ये सब खेल खेलता हूँ तो मुझे देखने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी शायद ये थोड़ा ये पूरी रो भर जाएगी तब ये गेम स्टार्ट होता है, क्योंकि यार वो लोग भी मेहनत करेंगे तो उसके बाद थोड़े क्राउड होगा तभी उनको भी मजा आएगी। अभी वेट करते हैं, फिर नज़ारा दिखाते हैं एक बार ये स्टार्ट होता है।
गाइस वहां से यार जो है देख के मौत का कुआं, और हम लोग अब वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और यार मतलब क्या एक्सपीरियंस था, मतलब लिटरली यार वो बता नहीं सकते हैं, वो गूज बम्स और जबरदस्त एक्सपीरियंस है। और सिर्फ और सिर्फ इसी जो है एक्सपीरियंस के लिए हम लोग हर बार जो है देवा मेला आते हैं। और मजा आ गई भाई लोग, हमने देवा मेला से क्या व्यू था, मैगी खाने के लिए बाउल लिया। ओके क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अभी चलते हैं, मैगी इसी में लेते हैं। बिल्कुल, और जबरदस्त था यार, मजा आ गई और यार बहुत थ्रिलिंग था। और अब घर की तरफ चलते हैं। लेकिन यार एक बहुत बड़ा जो है वो हादसा जो आज होने वाला था वो यार होते होते रह गया, क्योंकि अचानक से बीच में जो है वो लाइट चली गई थी। और तो यार जो राइडर्स होते हैं वो भी यार थोड़े से वो हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया अचानक से, उनके लिए भी नया एक अलग से नया चैलेंज हो जाता है और कुछ दिखता भी नहीं है। लेकिन लकीली जो है 8 से 8-10 सेकेंड के अंदर अंदर लाइट वापस आ गई और फिर से वो शो अपने की रफ्तार में ज़बरदस्त तरीके से चलता रह गया। कि पैसा वसूल है, और जब भी देवा मेला आएगा तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ही लेफ्ट हैंड साइड में जो है आपको ये दिख जाएगा, तो इसका जो है बिल्कुल लुत्फ उठाइए। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और अगले ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और